भी तस्कर बन में थे। देखो एक विचार करने की बात, चोर लोग जब आया तो सिंगारी बाबा की भेष लेने का गायन क्यों छोड़ी? वे चोर आए थे, चोर तो कहीं भी चोरी सकन नहीं, गायन कभी ले जाना तो और गाय न भेष ये सब कोई तो नहीं कि गाय ना कोई दूसरा का घर बदल होएगा, भेद दूसरा घर यही चाहिए। गाय ना अलग बांधी होएगा, भेस अलग बांधी होएगा, अलग अलग हो सके पर होएगा तो वान नहीं। जब चोर चोरी करना आया था तो गाय भेस धोई ले जा रही थी, पर केवल भेस ने गई क्यों लेगा। अब एको उस समय लौकिक अर्थ का ही थो वो तो गुरु महाराज जाना अपन को उस समय इतना मालूम नहीं, पर अध्यात्म यहाँ का ही बोली हुई कि भेस जड़ प्राणी से और गाय चैतन्य प्राणी से। तो इस शरीर रूपी हरसुद इधर ध्यान दीजिए, इस शरीर रूपी हरसुद में पांच ज्ञान इंद्री छे और पांच कर्म इंद्री छे। तो जो ज्ञान इंद्री छे वो चैतन्य छे, जो कर्म इंद्री ने छे ना ये जड़ छे। तो जड़ की चोरी हो पर चेतन की कौन चोरी कर सके? चेतन तो चेतन छे, जड़ वस्तु की चोरी हुई सके पर चेतन भी चोरी हो जाएगा। संसार को धन जड़ छे और राम नाम को धन चेतन छे। दुहाती गाय भी थी, दुहाती भैंस भी थी, पर गाय को कामधेनु की उपमा दी, भैंस को कामधेनु की उपमा थोड़ी दी। संजोनी हरि की कामधेनु वो अध्यात्म, मतलब गाय को उदाहरण अध्यात्म को उदाहरण गाय से दियो, भैंस से नहीं दियो, क्योंकि गाय चेतन प्राणी छे और चेतन का कभी कोई चोरी नहीं सकता। अब उस समय सगुण अर्थ का ही रहे तो गुरु महाराज जाने, पर जो अध्यात्म बोली रहो ये बोली रहो कि महकी नाम माया का, संसार में माया की चोरी हुई सकत, पर गो याने कर्म, गो याने ज्ञान इंद्री, तो गो याने भक्त और बिंद याने ईश्वर, भक्त की भक्ति की कोई चोरी कभी नहीं करी सकती। दुर्मुख भया सकल परिवार सिंगारी हर से मन बन जा रहा। सिंगारी बाबा प्रसन्न हुईरा कि अच्छी बीमारी टली चरुण सी बचा। सिंगारी बाबा तो बैठे भगवान को भजन कर ला कि मेरा तो कुछ गया नहीं, जो गया सो मेरा नहीं, पर गांव का लोग तो चौ दिशा में ढूंढा, घर का लोग परेशान, अब अपना परिवार कहां से चला। सिंगारी बाबा ने विचार करे कि आज भैंसी गुम होने का तीन दिन होगा, अपन ढूंढने नहीं गया पर देखा तो सही छे ना का। सिंगारी बाबा ने दिव्य दृष्टि से देखियो, जो चोर लोग जंगल में भेजने का ले गया था उनका नेत्र अंधा होगा, परेशान होने लग गया। एक समझदार ने युक्ति बताई कि भैंसी ने की पुछड़ी पकड़ो, गांव कोयरे कहीं तो पहचाना, थोड़ा मार पड़ा तो पड़ा जिंदा तो रहवांगा। भैंसे पूछ पकड़ी, भैंस ने जसी तसी गेड़ती घुड़ती उनको जसी तसी ले गई गाँव तक। गाँव पहचा पहुंचा, गाँव का लोग मारने का दौड़िया, बाबा ने रुकियो अपन एक दो चरण लगता था, कितना लोग चरण लाए धन्यवाद दो, मारने कूटने से का अपनी भैंस में धुआओ पाई गई कई कम छे। सिंगारी बाबा माता गुरुवे के समीप गया, कहे सिंगारी माता मुतन जो बासन धो पेड़ी संजो, गुरु गोविंद तुम्हारे धायो करी पचाओ माल घर लायो, माता अपनी भैंस में धुआओ पाई गई। माता बोली शानो रहे मुआ, मई की गई ताको तीन दिन हुआ, बातें करे कर्म की ही ना द्वारे बैठे सिर हाथ जो दीना, परमेश्वर तो तुम्हें तायो और तवन तवन लोग का बीची खायो। माता ने जब ऐसी खरी खोटी बात न कही, सिंगारी बाबा मुस्कुराता जाए, कहे सिंगा माता सबन की ऐसी हुई, कबीर की माता सिकंदर पुकारी, नामदेव की माता देनी कारी। यहाँ नामदेव भगत को प्रसंग लाओ सिंगारी बाबा। नामदेव भगत का पिताजी एक बार तीर्थ यात्रा पर गया, नामदेव भगत का आदेश दे गया, भैया सुबह से उठ जे गौ माता को दुहन करने लाऊ जे, भगवान के स्नान करा दे, अच्छे श्रृंगार कर दे और गौ माता को दूध को